जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नईम स्पिरिचुअल एकेडमी। स्टूडेंट्स, क्लास 9th जी मैथमेटिक्स पढ़ूँ था, जैमें यूनिट नंबर 5 अस लास्ट टाइम स्टार्ट किया से। यूनिट नंबर 5 जो नालो है अलजब्रिक मैनिपुलेशन, या इनके आम लफ्जन में ये भी चेस होता था यूजेज ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये समझा फैक्टराइजेशन जो असा इस्तेमाल या एप्लीकेशन सीखूँ था, एप्लीकेशन ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन असा कड़े कम आने सकूँ था। लास्ट टाइम तक याद हों तो असा HCF LCM सीखी से बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। अज असा जैसे सीखूँ था जी स्क्वायर रूट, मन बट इनके भी फैक्टराइजेशन की हेल्प से सीखना से। वो डिवीजन मेथड से भी थी, बट अस फर्स्ट तसो पाया तो स्क्वायर रूट का अग में HCF और LCM सीखी से, तो वह भी फैक्टराइजेशन की हेल्प से सीखी से। अड़ी तरह से हाँ अज अस स्क्वायर रूट सीखा से, पे फैक्टराइजेशन से डिवीजन मेथड से जैसे अस सीख चाहिए, तो वह इंशाल्लाह बाद में सीखा से। अच्छा, ये जी स्क्वायर रूट होंगी है, हूँ तो नंबर से भी स्क्वायर रूट अस फाइंड कर हेठन क्लासन में सीखी आया हूँ स्क्वायर रूट नंबर जी फाइंड कर, तो वह भी प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से थी, या डिवीजन मेथड भी होंगे स्क्वायर रूट जो सागी तरह से। इतने भी अलजब्रिक एक्सप्रेशन की जैसे अस स्क्वायर रूट सीखा से, तो यह भी फैक्टराइजेशन की हेल्प से भी थी, डिवीजन से भी थी। अच्छा, बट याद रख तो स्क्वायर रूट की जैसे वी है तो एक्सप्रेशन एक ही एक्सप्रेशन मिलल हों जी अस चई वी फाइंड स्क्वायर रूट। अस मर्जी है चाहे फैक्टराइजेशन से वूँ या डिवीजन मेथड से वूँ, बट अस पढ़ो से जैसे LCM या HCF फाइंड करनी होंगी तो उन टाइम से असो एक्सप्रेशन न हों, एटलीस्ट ब एक्सप्रेशन्स मिलल हों या बिन का जितरा भी हुजन। अच्छा जी, स्क्वायर रूट जैसे क्यों था फैक्टराइजेशन की मदद से, तो पे यो समझो तो स्क्वायर रूट जैसे वी है, खबर आ तक ही रेडिकल साइन जो इनके भी इनके ही असल में स्क्वायर रूट भी चाहबो है। इन रेडिकल साइन जहाँ असूल अस खबर आन, तो जैसे इन रेडिकल साइन के हेठों को भी दर्जो एज अ होल स्क्वायर की फॉर्म में अची वे, तो को भी एक्सप्रेशन हो जैसे मथा होल स्क्वायर भी हुए मथो या रेडिकल भी हुए स्क्वायर रूट भी हुए, तो रेडिकल और स्क्वायर बई पा में जी कैंसल थी वेंदा। बट याद रख तो यो रेडिकल स्क्वायर से कैंसल तरह ही थी जैसे परफेक्ट स्क्वायर हुए, पूरे दर्जे के मथा होल स्क्वायर हुए, अड़ो एक्सप्रेशन जैसे पूरी पूरी स्क्वायर रूट निकरे उनके परफेक्ट स्क्वायर चाहबो है। ये न हो जो सेपरेट इन भी स्क्वायर हो, प्लस में वरी को बो हो एक्सप्रेशन तो उनते भी स्क्वायर हुए, तो उन सूरत में कैंसिल नथा करे सको। हाँ, इन सूरत में थी सके थी जैसे मल्टीप्लाई में हुजन, मल्टीप्लाई में केतरा भी दर्जा स्क्वायर की फॉर्म में हुजन, तो वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल आउट करे सकूं था। बट ये न हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुए अस चूँ तो इतने स्क्वायर इनको रेडिकल से कटे छ्यूँ, नो इट विल बी रॉन्ग, ही गलत थी तो। ठीक है, ये न करणो करें भी जैसे होल स्क्वायर होंद, चाहे वह मल्टीप्लाई में ही हुजन खड़ी, तो उन सूरत में अस कटे सकूँ था। जैसे स्क्वायर्स के विच में प्लस की साइन है या माइनस है, तो उन सूरत में अस स्क्वायर के रेडिकल से कैंसिल नथा करे सकूँ। ठीक है, इन्हीं करे इतने यो भी याद रख, तो जैसे अस स्क्वायर रूट फाइंड क्यों था, तो असि कोशिश होंगी तो अस फार्मूला ही ठही वन कड़ा जो होल स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर जो फार्मूला आन, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, खबर है तक जी ए माइनस बी होल स्क्वायर। अड़ी तरह से परफेक्ट स्क्वायर जो बो फार्मूलो भी पढ़ो से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो, ये छा के बराबर होंगे जी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यानी जैसे स्क्वायर रूट वी है ना, तो असो माइंड ऑटोमेटिकली इन फार्मूलन से जैसे परफेक्ट स्क्वायर जो फार्मूला है, कोशिश थी अस फैक्टराइजेशन में ही फार्मूला ठही वन, या वरी अदर मेथड्स जी भी हुजन, बट खास कर ही फार्मूला जरूरी है स्क्वायर रूट में। मिसाल तौर जी असो पाँची तरफा एग्जाम्पल क्यों, वो बुक जहाँ एग्जाम्पल्स भी क्या होता, फर्स्ट को स्क्वायर रूट वी है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16,
छा कंदासीं इन मिडल टर्म बि ब्रेक करे सघूं था बट बहितर आहे त हिते फार्मूलो अप्लाई थी सघे थो जी कहिड़ो फार्मूलो हिते अप्लाई थी सघे थो जी फस्ट हीउ जेको लिखियलु आहे परफेक्ट स्क्वायर जो फार्मूलो ए स्केयर प्लस टू ए बी एंड प्लस बी स्केयर 16 के छाजो स्केयर लिखी सघो था 4 जो मीन्स हिनखे एक्स खे ए सम्झूं था ऐं 4 खे असां हिते बी सम्झूं था त पोइ हाणे हिते तव्हां ॾिसो था त हीउ फार्मूलो ठही वियो ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर दैट इज़ इक्वल टू छाजे बराबरि हूंदो ए प्लस बी होल स्केयर ते त हाणे इहो फार्मूलो जेकॾहिं असां हिते अप्लाई कयूं था त हीउ थींदो जी एक्स प्लस 4 होल स्केयर माना हिन एक्सप्रेशन जी हीअ छा थी वई फैक्टराइजेशन थी वई बट असांखे त चयो आहे त हिन जी स्क्वायर रूट फाइंड कयो हाणे यादि रखंदो त स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्स प्लस 4 होल स्केयर छा थींदो जी मथे सम्झायां त होल स्क्वायर ऐं स्क्वायर रूट रेडिकल ऐं स्क्वायर ॿई पाण में हिक ॿिए सां कैंसिल आउट थी वेंदा त जवाबनि जो छा मिलंदो जी एक्स प्लस 4 दिस विल बी स्क्वायर रूट जी हाणे हीअ त एग्ज़ाम्पल हुयो पंहिंजी तरफ़ा हाणे बुक मां असां करे ॾिसूं जेकॾहिं त बुक छा चए थी जी स्क्वायर रूट वठणी आहे असांखे जी बुक मां एग्ज़ाम्पल कयूं था स्क्वायर रूट वी आर गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट कुझु क्वेश्चन छॾे करे थोरो हिन खां बहितर आहे त कुझु डिफिकल्ट क्वेश्चन जेको नज़र अचे उहो करण जी कोशिशि कयूं था ठीकु आहे जी कोशिशि जी ही आहे फॉर एग्ज़ाम्पल ही 36 ही हिन जहिड़ो ई आहे हलो हिकिड़ो हिन जहिड़ो कयूं था पोइ वरी चेंज बि कयूं था 36 3 माइनस 2x होल स्केयर माइनस 48 3 माइनस 2x वाई एंड प्लस 16y स्क्वायर इहो एक्सप्रेशन थोरो वॾो नज़र अचे थो बाक़ी कमु साॻियो ई आहे हीउ तव्हां ॾिसंदो जी हिन में बि सेम फार्मूलो ठही सघे थो बट माइनस वारो ठीकु आहे जी हुते प्लस वारो ठहियो हीउ थोरो वॾो एक्सप्रेशन आहे हिनखे ॾिसंदो 36 खे असां छाजो स्क्वायर लिखी सघूं था 6 जो ऐं ब्रैकेट ते त ऑलरेडी स्क्वायर आहे इट मीन त हीउ सॼो एक्सप्रेशन ईअं सम्झो त इहो असांजे लाइ ए थी वियो मथां स्क्वायर अची वियो बी कंहिंखे सम्झंदो जी 16y स्क्वायर खे स्क्वायर जी फॉर्म में लिखण जी कोशिशि कयूं था छा लिखंदो छाजो स्क्वायर लिखंदो यस 4y माना हीअ असांजे लाइ ए आहे हीअ असांजे लाइ बी आहे विच में माइनस जी साइन आहे त माइनस ॾींदो माइनस 2 ए जी जाइ ते हीअ आहे 6 इंटू हीउ ब्रैकेट बहितरु हुयो त न ॾियो आहे हिते ॾियो आहे माइनस 2x ठीकु आहे नी हीअ ब्रैकेट रिमूव कई आहे ईअं सम्झो न लिखी आहे जी इंटू बी जी जाइ ते आहे 4y मल्टीप्लाई करे ॾिसो सेम आहे 2 6 ज 12 12 फोर द 48 जी सेम आहे हिन में को फ़र्क़ु न आहे माना इहो फार्मूलो हिते ठही वियो असांजे लाइ हीउ कहिड़ो फार्मूलो ठही वियो ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर छाजे बराबरि हूंदो ए माइनस बी होल स्केयर तव्हांखे चयोसीं त हिते कोशिशि असांजी इहा हूंदी त जॾहिं स्क्वायर रूट फाइंड करणी आहे त असां वटि जेके परफेक्ट स्क्वायर जा फार्मूला आहिनि इहे ठही वञनि जी हिते ए हिनखे ए सम्झोसीं सॼो ही ए आहे माइनस बी जी जाइ ते छा आहे 4y होल स्केयर बट असांखे त चयो आहे जी हिन जी स्क्वायर रूट फाइंड कयो स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन छा कंदासीं हिन जे मथो रेडिकल अची वेंदो जॾहिं रेडिकल ईंदो त जी रेडिकल अचण सां ही होल स्क्वायर जेको मथे आहे इहो हिन सां रेडिकल सां स्क्वायर छा थी वेंदो कैंसिल आउट थी वेंदो बाक़ी असांखे आंसर मिलंदो जी हिनजो हीअ आंसर आहे हिनखे तव्हां लिखी सघो था 6 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 4y फर्दर को चाहे त हिनखे 6 के अंदरि ब्रैकेट सां मल्टीप्लाई करे सघो था न करणु चाहियो त हिते बि फाइन आहे माना हीअ असांखे स्क्वायर रूट मिली वई हिन एक्सप्रेशन साॻियो ई हुयो हीअ मथे एग्ज़ाम्पल कयोसीं हुन जहिड़ो ई हुयो इहो बि बट थोरो लार्ज हुयो हुन खां एक्सप्रेशन लार्ज हुयो वे साॻियो ई हुयो फार्मूलो साॻियो परफेक्ट स्क्वायर जो बट माइनस वारो फार्मूलो हिन में यूस थियो आहे अच्छा हाणे नेक्स्ट ॾिसूं थोरो हिन खां डिफरेंट जेको हुजे जंहिंमें लेट सपोज त फार्मूलो यूस न थिए का ॿी शइ थिए ॿी शइ मां मुराद आहे त जीअं जी मिडल टर्म ब्रेक थींदी आहे
एड़ो को क्वेश्चन खणी ॾिसूं था जी एग्जाम्पल्स में जी ही आहे स्क्वायर रूट फाइंड करनी चाहे तो जी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ टे एक्सप्रेशन्स में दलनी एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड थर्ड एक्सप्रेशन आए जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जी टे एक्सप्रेशन्स मल्टीप्लाई में नज़र अचन था एक्सप्रेशन तो इन सरिये के एकड़ो ही चवंदासीं बट इन में तव्हां ॾिसो था त इहो टिन ब्रैकेट्स की सूरत में एक्सप्रेशन असांखे मिलियल आहे बट इते इहो ॾिसंदो त इन टिन्हनि ब्रैकेट में जेके एक्सप्रेशन्स नी उहे सभु ट्राइनॉमल आहिनि माना इन्हनि सभिनी जी मिडल टर्म ब्रेक कोशिशि कंदासीं जी ॾिसूं था ब्रेक थिए थी ही 8x आहे अच्छा हिन एग्ज़ाम्पल सां जंहिं स्टूडेंट खे मिडल टर्म जी ख़बर न हुजे त उहो बि सम्झी वेंदो 8x आहे हिनखे अहिड़े नमूने सां टोड़णो आहे जीअं मल्टीप्लाई कजे त 15 आंसर अचे जी कीअं टोड़ंदो यस 3x प्लस 5x गुड अहिड़ी तरह सां ही 7x आहे 7x खे ईअं ब्रेक करिणो आहे जीअं प्लस कयूं त 7 बीहे मल्टीप्लाई कयूं त 10x बीहे 10x स्क्वायर जी 2x प्लस 5x सही आहे अहिड़ी तरह सां हिनखे 5x खे ब्रेक करिणो आहे जीअं एड कयूं त 5 बीहे मल्टीप्लाई कयूं त 6x स्क्वायर अचे जी ब्रेक कयोसीं हाणे हिन मां कॉमन वठूं था जी फस्ट टू टर्म्स मां छा कॉमन निकिरे थो x कॉमन निकिरंदो छा बचंदो एक्स प्लस 3 लास्ट टू मां 5 कॉमन निकिरे थो बाक़ी बचंदो जी एक्स प्लस 3 हिते एक्स कॉमन हीअ थी वेंदो एक्स प्लस 2 हिते 5 कॉमन निकिरंदो जी 5 टू द 10 हूंदो आहे राइट एक्स कॉमन हीअ थी वेंदो एक्स प्लस 2 3 कॉमन आहे हीअ बचंदो जी स्पेस घटि आहे हिते पेज हलो कोशिशि कयूं था हिते पूरो कयूं था हिनखे ठीकु आहे जी अच्छा हाणे हीअ ॾिसो था हीअ ब्रैकेट सेम ब्रैकेट कॉमन निकिरंदी ऐं ब्रैकेट कॉमन निकिरण खां पोइ हिते छा रहिजी वियो एक्स प्लस 5 जी हिन मां बि हीअ ब्रैकेट एक्स प्लस 2 कॉमन निकिरंदी बाक़ी बचंदो एक्स प्लस 5 हितां हीअ एक्स प्लस 2 कॉमन अच्छा गौर कंदो हीअ जेके ब्रैकेट्स ठहियूं नी 6 ब्रैकेट्स आहिनि बट हिननि में बि कुझु सेम बि आहिनि हीअ तव्हां ॾिसो था एक्स प्लस 2 ॿ दफ़ा आहे हिनखे तव्हां एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर छो त ॿ दफ़ा शइ मल्टीप्लाई में हूंदी आहे वी कैन राइट इट एज अ स्क्वायर फॉर्म एक्स प्लस 5 बि ॿ दफ़ा आहे हिनखे बि एज़ अ अच्छा हीअ फैक्टराइज़ेशन त थी वई बट क्वेश्चन त इहो हुयो त फाइंड स्क्वायर रूट जी हाणे ॾिसंदो स्क्वायर रूट बसि ईअं सम्झो त असांखे आंसर मिली चुको आहे छड़ो पाण खे हिन एक्सप्रेशन जी जेका फैक्टराइज़ेशन आहे हिन जे मथां इहा रेडिकल साइन ॾियणी आहे जी रेडिकल साइन ॾियण सां छा थी वेंदो हाणे इहो जेके मथे होल स्क्वायर्स नी सभिनी जा छो त हीअ मल्टीप्लाई में पहिरीं तव्हांखे पोयां बि सम्झायोसीं मल्टीप्लाई में हुजनि शर्त इहो आहे ईअं न हुजे त हिते विच में जेकॾहिं हिते प्लस हुजे या माइनस हुजे उहो असां स्क्वायर रूट खे रेडिकल सां कैंसिल नथा करे सघूं ठीकु आहे बट हीअ तव्हां ॾिसो था त मथां होल स्क्वायर आहिनि सभिनी खे ऐं मल्टीप्लाई में आहिनि हीअ सभई स्क्वायर कैंसिल थी वियो बाक़ी छा बचंदो हीअ बचंदो जी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 सो दिस इज़ द स्क्वायर रूट ठीकु आहे जी सम्झो पिया स्क्वायर रूट जॾहिं फाइंड करणी आहे फैक्टराइज़ेशन सां त कोशिशि कंदासीं या त असां वटि परफेक्ट स्क्वायर जो फार्मूलो ठही वञे जीअं पोयां एग्ज़ाम्पल्स कयासीं त हुन में असां ॾिसूं पिया ए प्लस बी होल स्क्वायर जो फार्मूलो ठही वियो हुयो या ए माइनस बी होल स्क्वायर जो फार्मूलो ठही वियो हुयो या जेकॾहिं को ॿियो मेथड जीअं हिते तव्हां ॾिसो पिया त हिन में मिडल टर्म ब्रेक थी आहे त पोइ बि आख़िर में लास्ट में जेको फैक्टराइज़ेशन जो आंसर आयो हुन में तव्हां ॾिसो पिया सभिनी ते स्क्वायर अची वियो हुयो त स्क्वायर अचण सां स्क्वायर ऐं स्क्वायर रूट पाण में जी कैंसिल थी विया फर्दर हिन में तव्हां ॾिसंदो एक्सरसाइज में ॿिया कुझु थोरा हिन खां डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बि आहिनि उहो तव्हां ट्राए कंदो बट सब्जेक्टिव हिसाब सां त ठीकु आहिनि उहे करणु खपनि असांखे बट ऑब्जेक्टिव हिसाब सां बहितरु आहे त हीअ जीअं एग्ज़ाम्पल्स कयासीं इहे खोड़ आहिनि हिन में हिन जी मदद सां हिनखे चइबो त इहा छा थी वई स्क्वायर रूट असांखे ठीकु आहे नी फाइंड थी वई स्क्वायर रूट बाए डिवीजन मेथड बि आहे उहो इनशाला जेकॾहिं नेक्स्ट टाइम असां
कोशिश कहते तो पों एच सी एफ और एलसीएम भी असा सीखी आया बट वह भी फैक्टराइजेशन मैथड से सीखी से डिवीजन से न सीखी आ डिवीजन से कोशिश कहे ही लैक्चर में या ब लैक्चर जहाँ कर जैमें अस स्क्वायर एक में स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मैथड सीखा चो तो बई डिफरेंट है एच सी एफ और एलसीएम तो डिवीजन मैथड से ही मैथड में एक ही लैक्चर में करूँ बाकी स्क्वायर रूट जो है वो थोड़ा इनका डिफरेंट है बट सब्जेक्टिव प्रोसेस है बई बिन्हीं में ही लॉन्ग क्वेश्चंस थींदा नहीं शॉर्ट न थींदा नहीं हाँ बाकी ही एम सी क्यूज के हिसाब से खास कर जैसे एच सी एफ क्यों था या एल सी एम क्यों था या स्क्वायर रूट भी क्यों था तो कोशिश असि ये होंगी है असा उनके फैक्टराइजेशन से क्यों भी असा ही जो यूज पढ़ू था इन चैप्टर में खास कर फैक्टराइजेशन जो इस्तेमाल सिखूँ था फैक्टराइजेशन जहाँ मुख्तलिफ इस्तेमाल अस कंदा है ये असके ये समझो तो फैक्टराइजेशन जो बेनिफिट आ जो लास्ट चैप्टर अस पढ़ो से दैट वॉज चैप्टर नंबर फोर उनमें असा सीखो से फैक्टराइजेशन किए थी तो उन फैक्टराइजेशन करण जहाँ ये फ़ायदा है एच सी एफ फाइंड क्यों था एल सी एम फाइंड क्यों था स्क्वायर रूट फाइंड क्यों था अड़ी तरह से नैक्स्ट अस इंशाल्लाह सीखे सिम्प्लीफिकेशन वह भी उनमें भी असके फैक्टराइजेशन की हेल्प हासिल थी ओके अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।